हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज मैं आपके लिए 2012 में आई हॉरर मूवी द कलेक्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कहीं बाहर से आउटिंग करके अपने घर आए हुए थे। तभी अचानक से उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि ये बॉक्स उनके घर पर कैसे आया। तभी उस बॉक्स में से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो आदमी बॉक्स ओपन करके उसे देखता है तो उसमें एक किलर होता है जो उस आदमी पर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन कट होकर एक लड़के पर शिफ्ट हो जाता है। लड़के का नाम अर्किन होता है जो मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, जो एक फैमिली के घर पर काम किया करता था। इस फैमिली में टोटल 4 लोग थे। उनकी छोटी बेटी का नाम हैना था। रिसेंटली में ये लोग अपने न्यू घर पर शिफ्ट हुए थे, जहां ये लोग अपने घर में रिपेयरिंग करवा रहे थे। तभी हैना का फादर अर्किन के पास आता है और उसे ऊपर वाले फ्लोर का डोर ठीक करने के लिए बोलता है। अर्किन ऊपर जाकर इस दरवाजे को ठीक करने लगता है, तभी अर्किन के पास हैना आ जाती है और वो उसे अपने साथ खेलने के लिए बोलती है। इसलिए अर्किन अपना काम अधूरा छोड़कर हैना के साथ चला जाता है। अर्किन हैना से पूछता है कि अगर कोई तुमको गिफ्ट देना चाहे तो क्या तुम लेना चाहोगी। तो हैना कहती है, मुझे तो टेडी बियर बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे गिफ्ट में टेडी बियर दे। तभी हैना का फादर वहाँ आ जाता है और वो उसे पूछता है कि तुमने अभी तक अपना काम क्यों नहीं पूरा किया है। जिस पर अर्किन कहता है, मैं हैना के पास था, मेरी भी हैना जैसी एक बेटी है। जिसके बाद अर्किन रात को हैना के लिए एक टेडी बियर गिफ्ट लेके जाता है, जिसे देखकर अर्किन की बेटी बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर हमें इस फैमिली की फाइनेंशियली कंडीशन पता चलती है, जो काफी खराब थी। इन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ था। सर्वाइव करने के लिए उनके पास सिर्फ एक रात का टाइम होता है। उसे रिटर्न करने के लिए अर्किन की वाइफ उससे पूछती है कि तुम इतने थोड़े टाइम में इतना पैसा कहाँ से लाओगे। तो अर्किन कहता है कि चाहे कुछ भी हो, रात तक मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद अर्किन एक रॉबर के पास जाता है, जो अर्किन को उस फैमिली का डायमंड चुराने के लिए बोलता है, जहाँ अर्किन काम किया करता था। वो अर्किन से कहता है कि मैं उस डायमंड का 50% हिस्सा तुमको दूंगा। इसी वजह से अर्किन इस डील के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद अर्किन अपना सारा सामान लेकर चोरी करने के लिए चला जाता है, लेकिन उस फैमिली के घर के बाहर एक डॉग भौंकने लगता है। अर्किन उस डॉग को वहां पर देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उस फैमिली का कोई डॉग था ही नहीं। लेकिन फिर भी किसी तरह से अर्किन घर के अंदर एंटर हो जाता है। अंदर जाकर वो लॉकर को ओपन करने की कोशिश करता है, जिसमें वो हीरा था। लेकिन तभी अर्किन को वहां पर किसी की आहट सुनाई देती है, इसी वजह से अर्किन वहीं पर छिप जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीरियल किलर था जो उस घर में आ गया था। अर्किन के कदमों की आवाज सुनकर सीरियल किलर अर्किन को ढूंढने लगता है। फिर जब अर्किन उस घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाता है, तो वो देखता है कि डोर पर तो 5 लॉक लगे हैं। इसका मतलब ये था कि अर्किन वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। तभी अर्किन को अपनी फैमिली का ख्याल आ जाता है कि वो इतना सारा कर्ज कहाँ से भरेंगे। इसलिए वो दोबारा लॉकर के पास जाकर लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। तभी अर्किन को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। अर्किन उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि वहाँ पर हैना के फादर हैं, जिसे वो किलर बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। हैना के फादर जब अर्किन को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये सारा किया धरा अर्किन का है। इसलिए अर्किन को मारने के लिए अपने पास पड़ी किसी चीज को उठाता है, जिसे एक रस्सी खींचती है और हैना के फादर उस रस्सी से लटक जाते हैं। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि किलर ने उस घर में हर जगह पर ट्रैप लगाए हुए थे, ताकि वहाँ से कोई भी भाग ना सके। वो हैना के फादर को रस्सी से उतार कर अपने साथ ले जाता है। फिर हैना का फादर अर्किन को बताता है कि लॉकर में एक गन है, जिसकी मदद से तुम किलर को मारकर हम सबको बचा सकते हो। फिर गन निकालने के लिए वो अर्किन को पासवर्ड बता देता है। अर्किन लॉकर खोलकर वो गन निकाल तो लेता है, लेकिन वो देखता है कि गन में तो गोलियां ही नहीं है। फिर अर्किन लॉकर में से डायमंड को भी चुरा लेता है, ताकि डायमंड को बेचकर अपना सारा कर्जा उतार सके। हम देखते हैं कि वो किलर हैना के फादर को इतना ज्यादा टॉर्चर करता है, इतना ज्यादा मारता है कि वो जान से ही मर जाते हैं। बाद में वो उसे उल्टा लटकाकर उसका पेट भी काट देता है, जिससे उसकी सारी इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है। अर्किन को एक कबोर्ड से आवाज आती है, तब वो सोचता है कि उसके अंदर हैना छिपी हुई है। जब अर्किन उस कबोर्ड को खोलता है, तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है। फिर अर्किन उस बॉक्स को खोलता है, तो उस बॉक्स में से वही आदमी निकलता है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। अर्किन उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो किलर चाहता क्या है। फिर वो आदमी कहता है कि वो इंसानों को किसी चीज की तरह कलेक्ट करता है, और जो भी किलर को अच्छा लगता है वो उसे कैप्चर कर लेता है और बाकी सबको मार डालता है। वो आदमी अर्किन को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ। तब अर्किन उस आदमी को एक बार फिर से उस बॉक्स में बंद कर देता है। तब अर्किन देखता है कि एक दूसरे रूम की विंडो खुली हुई है। जैसे ही अर्किन उस रूम में जाता है, उसके सूट चिपकने लगते हैं। उस रूम में किलर ने फ्लोर पर गोंद फैलाई हुई थी। वहीं पर एक बिल्ली भी होती है, जो गोंद से चिपकी होती है। अर्किन उस बिल्ली की मदद करके उसे सेव करके विंडो की तरफ फेंकता है। लेकिन जब वो बिल्ली बाहर जाने वाली होती है, तब वो एक कटर से कट कर गिर जाती है। इसका मतलब ये था कि किलर ने हर
जगह पर ट्रैप लगाए हुए थे। बिल्ली की आवाज सुनकर किलर ऊपर आता है तो अर्किन बेड में अपने आप को छुपा लेता है। फिर किलर के जाने के बाद अर्किन हैना की मदर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल दूंगा, लेकिन साथ ही साथ उसे एक इंस्ट्रक्शन भी देता है कि तुम्हें इधर उधर नहीं देखना है। अब अर्किन हैना की मदर को बाहर ले जा रहा होता है, तभी उसकी नजर खून पर पड़ जाती है और वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देख लेती है और उसे देखकर चिल्लाने लगती है। फिर वो बचने के लिए ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन सामने से किलर आ जाता है जो उस पर अटैक करके उसे इंजर्ट कर देता है। फिर अर्किन एक जगह पर जाकर छिप जाता है। अर्किन देखता है कि उस किलर ने अपने हाथ पर एक स्पाइडर पकड़ा हुआ है। इसका मतलब ये था कि उस किलर को स्पाइडर बहुत पसंद थे। किलर हैना की मदर का मुंह सील देता है ताकि वो दोबारा कभी भी ना चिल्ला सके। अर्किन ऊपर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो विंडो से बाहर निकलकर भाग जाएगा। तभी घर के सामने आकर एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी में हैना की बड़ी सिस्टर होती है जो कि अपने फ्रेंड के साथ आई थी। अर्किन चिल्ला चिल्लाकर उसे अंदर आने से मना करता है, लेकिन अर्किन की आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती है। जब उस किलर को रियलाइज होता है कि घर के बाहर कोई आया है, तब वह घर के सारे दरवाजे को लॉक ओपन कर देता है। हैना की सिस्टर अपने फ्रेंड को लेकर घर के अंदर आ जाती है और वो दोनों किचन में चले जाते हैं, लेकिन वो किलर उन दोनों को देख लेता है। इसी दौरान अर्किन मौके का फायदा उठाकर एक टेबल के नीचे जाके छिप जाता है ताकि वो हैना की सिस्टर को किलर के बारे में इन्फॉर्म कर सके। लेकिन तभी हैना की सिस्टर उस किलर को देख लेती है और वो पूरी तरह से डर जाती है। उसके फ्रेंड के अंदर हीरो बनने की चुल मस्ती है और वह माचो मैन बन के किलर का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो किलर ठहरा। सुपरमैन किलर उसे उठाकर एक ट्रैप पर फेंक देता है, जिस पर गिरने से उसका राम नाम सत्य हो जाता है और उसकी सारी हीरो की धरी की धरी रह जाती है और बेचारी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो किलर हैना पर अटैक करता है, पर हैना की सिस्टर पहले ही पुलिस को कॉल मिला चुकी थी। किलर हैना की सिस्टर को पकड़ लेता है और उसका गला रेजर वायर से बांध देता है और साथ ही साथ उसे टॉर्चर भी करता है। अर्किन ऊपर जाता है और अलार्म सेट करता है और किलर अलार्म की आवाज सुनकर किलर की फट जाती है और वो सोचता है अरे भगवान झुका हुआ, लगता है पुलिस आ गई। किलर दौड़ता भागता जल्दी से ऊपर चला जाता है। तब अर्किन नीचे आकर हैना की सिस्टर को आजाद करता है और अर्किन को वहां पर देखकर हैना की सिस्टर काफी शॉक रह जाती है। तभी वह सोचती है कि शायद अर्किन ही वो किलर है। तभी वो उसे मारने के लिए एक सीजर उठाती है, लेकिन तभी वो खुद एक ट्रैप में फंस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर अर्किन को काफी दुख होता है और फिर अर्किन उस आदमी की जान बचाने के लिए जाता है जो उस बॉक्स में बंद था। अर्किन उस आदमी को बाहर निकालता है, तब वो देखता है कि किलर ने उस आदमी के पैर में हुक्स लगाए हुए थे, इसलिए वो उस आदमी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। अर्किन अकेला ही उस विंडो को तोड़कर बाहर आ जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर हैना पर पड़ती है जो विंडो से उसे हेल्प मांग रही थी। उसे देखकर अर्किन को उस पर तरस आ जाता है क्योंकि उसकी अपनी बेटी भी थी, इसलिए उसको बचाने के लिए वो वापस घर पर आ जाता है। किलर हैना पर अटैक करके बस उसको मारने ही वाला था, तभी अर्किन वहां पर आकर उस किलर पर अटैक कर देता है और अर्किन हैना को लेकर छिप जाता है। अर्किन हैना को बताता है कि हम किलर को एक ट्रैप में फंसाएंगे, हम लोग पानी को जमीन पर फेंक देंगे, फिर तुम टीवी को जमीन पर गिरा देना ताकि पानी में करंट आने की वजह से वो मर जाए। लेकिन उस किलर को उनके ट्रैप के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी जगह बॉक्स वाले बूढ़े आदमी को फेंक देता है और करंट लगने की वजह से उस आदमी की भी मौत हो जाती है। ये देखकर अर्किन हैना को लेकर वहां से भागने लगता है और किलर भी उनका पीछा करता है। अर्किन हैना को एक सेफ जगह पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन किलर अर्किन को पकड़ लेता है। जब अर्किन की आंख खुलती है तब वो खुद को बंधा हुआ पाता है। अर्किन कहता है कि बेशक तुम मुझे मार दो, लेकिन उस बच्ची को जाने दो, उसे बख्श दो, लेकिन किलर और किंग की बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। बाद में किलर अर्जुन का एक दांत एक हैमर से तोड़ देता है, जिससे किंग को काफी तकलीफ होती है। तभी उस घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो उस कॉल की वजह से आया था जो हैना की सिस्टर ने किया था। जब वह पुलिस ऑफिसर विंडो से उस घर के अंदर देखता है, तब उसे घर के अंदर डेड बॉडी और खून पड़ा हुआ मिलता है। तभी वो किलर बाहर आ जाता है, तब वह किलर ऑफिसर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, साथ साथ वो अपने डॉग को भी उस पुलिस ऑफिसर पर छोड़ देता है। तभी अर्किन को मौका मिलता है और वो खुद को आजाद कर लेता है। अर्किन देखता है कि उसने उसके लिए ट्रैप बनाया है जिसमें वह घर ब्लास्ट हो जाएगा। तभी किलर अपने डॉग को लेकर घर के अंदर आ जाता है और किलर अपने डॉग से हैना को ढूंढने के लिए कहता है। अर्किन समझदारी दिखाते हुए उस डॉग को जलाकर राख कर देता है। बाद में अर्किन उस किलर के पास जाकर उसका मुकाबला करता है। अर्किन उसको इंजर्ट करके वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी अर्किन की नजर एक बड़े से मिरर पर पड़ती है। तब अर्किन उस मिरर को दरवाजे के सामने रख देता है। जब किलर वहां आता है तो उन दोनों के रिफ्लेक्शन को देखकर समझता है कि शायद वो दोनों सामने हैं, इसलिए किलर उन दोनों को देखते ही शूट कर देता है। तभी अर्किन अपने लगाए गए ट्रैप की एक वायर काट देता है। लाइट फिक्सर आकर किलर पर गिर जाता है और अर्किन उसकी पॉकेट से चाबी निकालकर हैना को लेकर घर से बाहर आ जाता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो उन दोनों को अपने कंट्रोल में लेकर रेस्क्यू करती है। अर्किन अब एम्बुलेंस में होता है, तब वह अपनी पॉकेट में से उस डायमंड को निकालता है और उसे बहुत खुशी होती है कि वो उस डायमंड को चुराने में कामयाब हो गया, अब उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा। फिर अर्किन नर्स से कहता है कि वह उसकी वाइफ को कॉल करे। तभी वह किलर आकर एम्बुलेंस पर अटैक कर देता है और उसे पलट देता है। फिर वो किलर
किलर आता है अर्किन के पास और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन अर्किन किलर से काफी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिर्फ एक बार अपनी वाइफ से बात कर लेने दो, लेकिन वो किलर उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे बॉक्स में बंद कर अपने साथ ले जाता है। इसका मतलब ये था कि उसने कलेक्शन के लिए अर्किन को चूज किया था। और यही मूवी का पार्ट 1 एंड हो जाता है। मेरे जिक्र के टुकड़ों, इस फिल्म की आगे की कहानी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी। अगर आप आगे की स्टोरी भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप मेरे जिक्र के टुकड़ों आपको मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको मूवी का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बता देना, हम आपके लिए सेकंड पार्ट भी ला देंगे। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार दे रही है। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। गुड बाय।